बेला शहर में तुझे ले आऊं, कोराली नदी का मंजर दिखाऊं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नज़ीर बंदीचा और आज मैं ये जो आप माशाल्लाह देख रहे हैं, इतना पानी माशाल्लाह देख रहे हैं, ये गुंडाचा डोरो या गुंडाचा जो चैनल है कोराली से निकलता है उसका पानी है माशाल्लाह। दोस्तों मैं बेसिकली इसी गांव से हूँ, गुंडाचा जागीर से, और बचपन से हम लोग यहाँ पे रहकर बड़े हुए हैं और मुझे अपना बचपन का दौर याद आता है जब यहाँ पे सोलर बोर्ड नहीं होती थी, स्पेशली 2001-2002 में जब केत साली थी तो ये गुंडाचा डोरा इतना आबाद नहीं हुआ करता था। हमारे लोग इसी डोरे में जो 10 दिन तारीखें होती हैं हमारे डोरे की, उसमें अपने जो जोड़ हैं या जो तालाब हैं उसमें पानी जो है स्टोर करते थे और हम लोग वही पानी पीते थे और साथ में जानवर भी हमारे साथ वही पानी पीते थे। और ट्रेंड ये था कि लोग गधों पे पानी भर के अपने घरों के लिए ले जाते थे, एवं कि बहुत शदीद किल्लत हुआ करती थी उस दौर में। तो मुझे याद है अपने गांव में जो हमारे गांव का जो पहला सोलर बोर फंक्शनल हुआ है, जो बोर का पानी हमने पीना शुरू किया है वो 2018 में किया है। इससे पहले हमारे गांव में तकरीबन इसी डोरे का पानी हम लोग पीते थे, इसी चैनल का, वो भी मतलब 10 दिन तो बहता था लेकिन बाद में हम उसको तालाबों में स्टोर करते थे और बाद में इतना गंदा हो जाता था लेकिन मजबूर थे हम लोग पीते थे और इतना पानी नहीं हुआ करता था जो आज आप माशाल्लाह यहाँ पे देख रहे हैं। ज़मींदार भी अक्सर उस पानी के ऊपर लड़ते थे ज़मीनों को सैराब करने के लिए भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत सारे लोगों के पास अपनी सोलर बोर्स हैं और आज मैं माशाल्लाह इसका पानी देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जहाँ दोस्तों 2022 के सैलाब ने तबाही मचा के रखी थी पूरे लसबेला में, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि जो वाटर टेबल है वो बढ़ गया है और बहुत ज़्यादा पानी हमारा ये गुंडाचा डोरा तब से माशाल्लाह आबाद है, पूरा दिन में हद से ज़्यादा पानी है। तो सैलाब का ये फ़ायदा हुआ है कि पानी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन ये चैनल जब भी इसमें बारिश का पानी आ जाता है तो इसका जो एंट्री वाला रास्ता है वो ख़राब हो जाता है, तो ज़मींदार बड़ी मुश्किल से उसको बना के अपनी तरफ लाते हैं। अब ये पानी कब तक ऐसे चलेगा इसकी हमें भी गारंटी नहीं, लेकिन जैसे ही नदी में पोराली का पानी आ गया ये ख़राब हो जाएगा। दूसरा ये है कि इस पर वर्ल्ड बैंक वाले पोराली बेसन प्रोजेक्ट वाले प्रोजेक्ट है वो इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं और उम्मीद है कि इससे ज़मींदारों की जो मुश्किलात हैं वो दूर होंगी और खुशहाली आएगी और इनके चैनल को लोग ये लोग पक्का भी करें, डोरी को भी उन्होंने थोड़ा सा बेहतर बनाया है। उम्मीद है कि आइंदा बहुत खुशहाली आएगी हमारे इस इलाके में और कोराली बहुत ज़्यादा आबादी करेगी। एक अच्छी उम्मीद के साथ नज़ीर बंदीचा एक मरतबा फिर आप लोगों के साथ हाजिर होगा। Thank you so much. बेला शहर में तुझे ले आऊं, कोराली नदी का मंजर दिखाऊं। सजी खिलाऊं, मच्छी खिलाऊं।